हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार रजक जो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों, जो कि हम गिरिडीह क्षेत्र से हैं दोस्तों, जो कि हम स्नेक रेस्क्यू करते हैं और मेरा चैनल का नाम है स्नेक रेस्क्यू चंदन कुमार रजक दोस्तों। तो देखिए, जो कि कल रात में 2 बजे बहुत बरसात हो रहा था और हमारे कैमरामैन आ नहीं सके, जो कि हमसे दूर रहते हैं, बहुत करीब 1 किलोमीटर दूर रहते हैं हमारे कैमरामैन दोस्तों। जो हम एक और स्नेक घर में घुसा था दोस्तों, जो कालिका कुंज गली है दोस्तों, वहीं पे हम इसे रेस्क्यू किए हैं दोस्तों, जो कि धमना स्नेक है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं, और इसे हम पर्यावरण में सांपों को बचना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सांप नहीं रहेगा दोस्तों तो चूहा ज़्यादातर हमारे घरों में प्रवेश करेगा दोस्तों, क्योंकि ये स्नेक चूहा खाने के चक्कर में बारिश का मौसम में बिल में पानी जाता है दोस्तों, तभी घर के ओर प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं, और हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब या घंटी का बेल आइकन ना दबाएं तो दबाएं, और हमारे चैनल को शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो कि ये धमना स्नेक है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी बिग साइज का है दोस्तों, ये देखिए ये बहुत जोड़ का काटता है दोस्तों। ये धमना स्नेक है, रेड कलर का धमना है दोस्तों, इसका 7 प्रजाति होता है दोस्तों, ये रेड कलर का है और ये कंचुल में है दोस्तों। कंचुल छोड़ने के बाद सांप को भूख लग जाता है बहुत कस के, और ये खाने के चलते घर में प्रवेश कर गया दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं, इसमें विष नहीं पाया जाता दोस्तों, लेकिन इसका जकड़ बहुत ही मजबूती रहता है दोस्तों, अगर कहीं पकड़ ले तो हाथ या पैर तो तोड़ देता है दोस्तों, सीधी सी बात इसका। और लोगों का मानना है, लोगों का मन में भ्रम है कि स्नेक दूध पीता है, स्नेक दूध नहीं पीता है, क्योंकि दोस्तों ये स्नेक का जीव फटा है, ये देखिए इसका जीव फटा है दोस्तों, ये दूध या पानी नहीं पी सकता, लोगों का मानना है। अगर कोई स्नेक घर में घुस जाए तो हमारे चैनल में दिए हुए नंबर पर कॉल करें। और जी हाँ दोस्तों, इसे मारे नहीं, क्योंकि सांप पब्लिक से बहुत डरते हैं दोस्तों, और पब्लिक भी सांप से बहुत डरते हैं, समझे ना दोस्तों। तो इसके लिए इसे मारे नहीं। और जी हाँ दोस्तों, हमारे जितना भी चैनल में चैनल जितने भी दोस्त लोग बनाते होंगे भैया लोग, तो बिना स्टिक का हैंडल ना करें, क्योंकि ये जहरीला नहीं है। अगर बाय चांस कोई स्नेक जहरीला रहे, आप पहचान ना सके, अगर बाय चांस काट लिया तो फिर बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी को स्नेक काटा है तो आप ओझा गुनी झाड़ फूक का चक्कर में ना रहे, तुरंत अस्पताल जाए। आपका गिरिडीह क्षेत्र में सदर अस्पताल है दोस्तों, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है दोस्तों, हर स्नेक का ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए इसका कंचुल, एक कंचुल में दोस्तों देखिए किस तरह छोड़ रहे हैं कंचुल, ये भूखे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे रिलीज करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। एक बात और बोलना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर स्नेक रेस्क्यू करने वाले हमारे जितने भी दोस्त साथी या चाचा लोग हैं, तो उस सबसे मेरा अनुरोध है कि स्नेक को बिना स्टिक का हैंडल ना करें, क्योंकि खतरों से खाली नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि स्नेक में, जबकि 100% स्नेक में 90% स्नेक का विष होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, 10% स्नेक का विष ज़्यादातर होता है और 90% स्नेक का विष नहीं होता है। और ये तो खुद डरे हुए हैं स्नेक, इसको बंगला में बांगस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और हमारा इधर धमना बोलते हैं दोस्तों, हमारे गिरिडीह क्षेत्र में ज़्यादातर यही स्नेक निकलते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आ गए हैं, खंडोली जंगल है दोस्तों, हम इसे रिलीज़ करने के लिए आ गए हैं। तो चलिए हम इसे रिलीज़ करते हैं, कैमरामैन इधर आइए, दिखाइए इधर दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, एक बात और कहना भूल गए दोस्तों, जब ये अपना मुख जब भी चौड़ा करेगा दोस्तों, जब भी फुलाएगा तो एक काटने की मुद्रा में रहता है दोस्तों, अभी तो एक काटने का मुद्रा में एक जरा सा भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसे रिलीज़ करते हैं, थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो देखिए इसे हम रिलीज़ करते हैं दोस्तों, ये बहुत काफ़ी बिग साइज का है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे रिलीज़ करते हैं, कैमरा मैन दिखाइए इधर कैसे स्नेक जाते हैं, ये देखिए दोस्तों, जो कि हम इसे रिलीज़ कर दिए, ये देखिए स्नेक चल गए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम स्नेक को रिलीज़ कर दिए दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगर कहीं बाय चांस अगर स्नेक घुसे तो हमारे नंबर चैनल में दिए गए नंबर पे कॉल करें दोस्तों, थैंक यू।